Hello students, welcome back to your maths class. Today we are going to start question number 8 of exercise 9.1. Fill in the boxes with correct symbol out of greater than, less than and equal to. आपको राइट नंबर्स दे रखे हैं, उनके बीच में बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको greater, less या equal to का साइन लगाना है. रैशनल नंबर्स को चेक करें. अब आप अगर देखें, ये -5/7 है और ये 2/3 है, तो यहाँ से बेटा आप इजिली वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव है, तो बड़ा कौन सा होगा? 2/3 ही बड़ा होगा. ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम कट आउट करते हैं. बट यहाँ हमें इजिली विजिबल है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो यही हमारा ग्रेटर होगा. तो 2/3 इज ग्रेटर देन -5/7. अब हम यहाँ देखते हैं सेकेंड पार्ट में, -7/8 और यहाँ पे आप 14/-16. तो अगर हम 14/-16 को 2 से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 7/-8. अब हम इस 7/-8 को अगर -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये भी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है, एट क्वेश्चन की तरह है. बेटा मैंने इसमें आपको बताया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है, हम क्या करें, हम इसको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करें. लाइक टर्म कौन सी होती है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है. अब हम क्या करें, 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2, तो कितना हो जाएगा, 6. अब ऐसे ही हम 5/2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से, 5 3 15 एंड 3 2 6. अब आप यहां से इजीली देख सकते हैं 4/6 बड़ा होगा या 15/6 बड़ा होगा. ऑब्वियस है 15/6 आपका बड़ा होगा, 4/6 इज लेस देन 15/6, या फिर हम लिख लेंगे और 2/3 इज लेस देन 5/2. ठीक है बेटा, इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, -3 2/7 एंड -3 4/5. मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 7 3 21 22 23, -23/7 और ये आ जाएगा आपका 5 3 15 और 4, -20/5 3 15 और 4 19, -19/5. ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, नीचे हमने 35 बनाना है दोनों में, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आपका आ जाएगा 23/5 -115 और ये आ जाएगा 19/-133/35. ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं बड़ा है, -133 बड़ा है, कौन सा बड़ा है बेटा, जो नंबर छोटा होगा, माइनस में हमेशा वही बड़ा होता है, तो हम इसकी तरह
ग्रेटर का साइन लगा देंगे और माइनस थ्री इंटू टू बाय सेवन इज ग्रेटर देन माइनस थ्री इंटू फोर बाय फाइव। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा आपको रैशनल नंबर्स गिवन है, उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है, माइनस थ्री बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव एंड माइनस वन बाय फाइव, तीनों में डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है। तो आप देखेंगे जो माइनस की टर्म सबसे बड़ी है वो आप सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटी होगी। माइनस थ्री बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव एंड माइनस वन बाय फाइव, ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको करा रही, थर्ड आप खुद करेंगे। सेकेंड पार्ट है आपका माइनस वन बाय थ्री, माइनस टू बाय नाइन एंड माइनस फोर बाय थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। माइनस वन बाय थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हो जाएगा माइनस थ्री बाय नाइन। सेकेंड नंबर आपका माइनस टू बाय नाइन है ऑलरेडी, इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड को, थ्री इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व बाय नाइन। अब आपके पास थ्री नंबर आ गए, माइनस टू बाय नाइन, माइनस थ्री बाय नाइन एंड माइनस ट्वेल्व बाय नाइन। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा होगा, माइनस ट्वेल्व बाय नाइन। उसके बाद माइनस थ्री बाय नाइन एंड उसके बाद माइनस टू बाय नाइन। तो ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी